हम अनदेखे बातों पर यकीन कर लेते हैं जिसकी हमें कोई तहकीक भी नहीं होती जी। बगैर ऑब्जर्वेशन के हम किसी दूसरे की ज़बान पर एतबार कर लेते हैं। इस वक्त हम सेवर से जाम शोरों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक मंजर है जिसे कहते जन्नत की खिड़की। जहाँ तक अपना यकीन है, अपना अकीदा है कि जन्नत की खिड़की तो सिर्फ कब्र में ही हमें नसीब होती है। हाँ, जोग्राफिकली ऐसा होता है कि अगर कहीं से गार से किसी दूसरी जगह से वो हॉल जाके निकलता है और वहीं से अगर पानी का बहाव आता है हवा लगने से जो है ना दूसरी तरफ से हवा गुजर जाती है और वो ठंडी फील होती है। तो यहाँ पे एक गार है, मैं आप दोस्तों को उस गार की तरफ लेके जा रहा हूँ जिस गार से 12 महीने के बारे में ठंडी हवा चलती रहती है। वो मंज़र मैं आप दोस्तों को पेश नज़र करने जा रहा हूँ। तो हम चलते हैं उस गार की तरफ, दिखाते हैं आप दोस्तों को वो मंज़र भी। जैसे कि आप दोस्तों को पता है मेरे साथ जावेद अब्दुलाचारी हमेशा साथ साथ रहते हैं ऐसे मंज़र में। आप दोस्तों को ये मंज़र दिखाने में जावेद भाई का बड़ा साथ होता है मेरा। हर जगह पे कठिन रास्तों पे, मुश्किल रास्तों पे ये साथ होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये गारनुमा है, हम इसके अंदर भी जाएंगे, देखें कि अंदर क्या है। अपने कैमरा मैन को अंदर लेकर आए। ओए बहुत चमकादर है क्या हुआ? अंदर माशाल्लाह चमकादर बहुत है। अब यहाँ से देखिए, ये आप देख रहे हैं, ऐसे कहा जाता है मकामी लोगों के हवाले से कोई जन्नत की खिड़की कहा जाता है। हाँ, अलबत्ता यहाँ से हवा आती रहती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बने हुए हैं, जैसे कोई आराम भी करा फरमाते हैं। खासकर जामचोरों से सेवन की तरफ लोग आते हैं, यहाँ पे विजिट ज़रूर करते हैं। माशा अच्छा पॉइंट है, बस खुदा के नज़ारे हैं जो हम आप दोस्तों को पेश नज़र करते हैं। आए हम के खुदा का ये एक नज़ारा भी आप दोस्तों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल मेरी आस टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कैमरा मैन और मेज़बान सिकंदर मार और जावेद अब्दुलाचारी को जा सकते हैं।